पंजाब का फार्मर बॉम्बे नहीं जाएगा अपनी जमीन की रोकने की कोशिश की है पानी की पिछाड़ो से हमें छह कंट्री का भी समर्थन मिल गया है अब ये सारे इंडिया की समस्या है इसके बाद ये वर्कर की समस्या हो जाएगी और मंडी एक स्टोर बन के रह जाएगा कारपोरेट सेक्टर का नमस्कार आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी समाज दिनेश के साथ कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है किसान बिलों के विरोध में उठा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है दिल्ली में किसानों ने जिस तरह से डेरा डाला हुआ है और केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंदी की हुई है आसार नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि कल भी ये वार्ता हुई थी केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ में वार्ता हुई है किसान बिलों को लेकर और उसके बाद में आज भी वार्ताओं के दौर चल रहे हैं अभी भी किसान वार्ता वहां पर चल रही है दिल्ली में लेकिन बावजूद इसका कोई अभी तक हल नजर नहीं आ रहा है निकलता हुआ साथ ही आपको बता दें कि अब किसानों को जो सहयोग मिलने लगा है एक नए रूप से सहयोग मिलने लगा है वो है ओवरसीज में बैठे पंजाबियों का एनआरआई जो लोग हैं जो खासकर यहां पे विंग उनके किसानी भी यहां पे है पीछे और पंजाब से बिलोंग करते हैं हरियाणा से बिलोंग करते हैं अब कहीं ना कहीं एनआरआई तबका जो है वो किसानों के सपोर्ट में खुलकर नजर आने लगा है आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिंगारा सिंह जो कि मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बार एसोसिएशन से हैं कनाडा से हैं डॉक्टर सिंह और ओवरसीज कन्वीनर ऑफ मास्टर्स गेम फेडरेशन से हैं डॉक्टर सिंह बहुत बहुत स्वागत है आपका आज धन्यवाद डॉक्टर सिंह ये जो आप आज स्पेशल एन आप एक हैं और अब किसानों के समर्थन में आज आप कैनेडा से ट्रैवल करके आज आप इंडिया आए हुए हैं क्या है इसके पीछे मकसद हमारा मकसद किसानों का दर्द देख के यहाँ हम पहुँचे हैं क्योंकि हम खुद किसान के बेटे हैं हमारे सारे रिश्तेदार दोस्त मित्र किसानी के साथ जुड़े हुए हैं चाहे वो कनाडा में बैठे हैं चाहे न्यूजीलैंड में चाहे ऑस्ट्रेलिया में या यूके में है और सभी का समर्थन हमें मिल रहा है वो सभी यहाँ आने चाहते हैं अभी इसलिए नहीं आ, आ सकते क्योंकि ये कुछ कोरोना का दौर चल रहा है कुछ गवर्नमेंट फेवर नहीं कर रही अदरवाइज दे आर ओपनली ओपनली सपोर्टिंग ऑल फार्मर प्रोटेस्ट लेकिन जो आप ये समर्थन की बात कर रहे हैं इसमें विरोध क्या है आप क्योंकि एन आर आई से ऑलरेडी आप लोग इस चीज़ को आप बैरिस्टर भी हैं वहाँ पे आप ऑलरेडी लॉ प्रैक्टिस करते हैं तो आपने पढ़ा होगा इस बिल के बारे में तो क्या विरोध है ऐसा इसमें सबसे पहले तो ये विरोध है कि जो ये जो लीज पे लेना चाहते हैं लैंड इसके ऊपर इन्होंने लोन सेंक्शन करने की एक, 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 एक एक्शन कर दिया उसका कि लोन ले सकते हैं जो बंदा ठेक पे ज़मीन लेता है वो लोन ले सकता है तो अगर वो कल को लोन वापस नहीं करता है तो किसान उसको ज़मीन को कैसे छड़ाएगा क्योंकि वो उसके लिए ट्रिब्यूनल बॉम्बे में बैठा दिया है अब पंजाब का फार्मर बॉम्बे नहीं जाएगा अपनी ज़मीन की पोजेसन लेने के लिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक कानून है तो हम इसी के समर्थन तो यहाँ बात करेंगे किसान बिल में एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि किसान की ज़मीन को कोई कॉर्पोरेट जो एजेंसी है या कोई और जो थर्ड पार्टी है वो उसे लीज पर ले लेगी लीज पे लेके उस पर लोन ले सकती है अच्छा तो दूसरा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो जितनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ट्वेंटी थ्री क्रॉप्स हैं उनके ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को मिलती नहीं है अब इस कानून के अंदर भी इन्होंने एम की कोई बात नहीं कही अब कैसे चलेगा फिर वो किसान को ये इन्होंने क्या दिखाने के लिए एम बनाई हुई है कागज काले कर रहे हैं डॉक्टर सिंह वी गारंटी फॉर विरोध तो चलिए चल ही रहा है और किसान पिछले दो तीन महीनों से ऑलरेडी सड़कों पर लामबंद है और केंद्र सरकार के खिलाफ है ऐसा क्या हुआ कि कनाडा से आपको यहाँ पे आना पड़ा इतने हजारों किलोमीटर दूर उड़कर और वो भी तब जब कोरोना महामारी के कारण नॉर्थ अमेरिका या बाकी देशों को अगर हम देख लें और इंडिया में भी कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है तो ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ पर अब किसानों के समर्थन में आपको आना पड़ा हम ये पिछले दो महीने से देख रहे हैं वो बेचारे किसान गाँव में बैठे थे उसके बाद उन्होंने अपनी आवाज़ उठानी चाहिए इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी बॉडी टू गो टू द कैपिटल हरियाणा की सरकार ने बहुत ज़बरदस्ती उनको रोकने की कोशिश की है रादर हरियाणा के लोगों ने उनको सपोर्ट किया लेकिन खट्टर गवर्नमेंट ने उनको रोकने की कोशिश की है पानी की पिछाड़ों से रास्ते तोड़ के बड़े बड़े खड्डे पैदा करके क्या है कि किसान अपनी आवाज़ उठाने के लिए अपनी राजधानी में नहीं जा सकता तो अब जो एन आर आई उनका क्या रहेगा फलसफा आगे किस तरह से किस तरह से समर्थन देंगे आप किस एन आर सारे बड़ी प्लानिंग्स के साथ चल रहे हैं और हमें छः कंट्री का भी समर्थन मिल गया है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यू एस तो हम सारे आ रहे हैं दो दो चार चार करके पहुँच रहे हैं जहाँ भी तो हा? क्या एक एजेंडा एक एजेंडा का हमारा एजेंडा है कि अगर ये नहीं मानते अगर उसको वापस नहीं लेते तो वी विल स्टार्ट ए सेमिनार टू एजुकेट द पीपल डिस्ट्रिक्ट वाइज कि ये काला कानून आपके ऊपर कैसे आपको बर्बाद करेगा इन फ्यूचर वहाँ पे अभी जो लोग हैं जो एन आर आई वहाँ पे अभी रह रहे हैं चाहे वो कैनेडा है या यू एस है चूँकि आप कैनेडा से हैं तो वहाँ क्या व्यूज़ आ रहे हैं अभी सम्मिलित संग, रूप से किस तरह के व्यूज़ हैं इसके सभी के यही व्यूज आ रहे हैं कि ये काला कानून वापस होना चाहिए इसमें कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती ना ही पंजाब के फार्मर कोई कम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं वो वहीं बैठेंगे चाहे उनको छः महीने लग जाए चाहे साल लग जाए हमारे बहुत सारे भाई फॉरन कंट्री से भी आ रहे हैं तो क्या जो आप बता रहे हैं चूँकि आप तो एक वकील होने के नाते या आपने कहा कि ये दर्द था हमें जो हम यहाँ पर आज किसानों के समर्थन में आए लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पे एनराई हैं लेकिन उनकी ज़मीनें भी पंजाब में हैं हरियाणा में हैं या देश के अन्य राज्यों में हैं तो क्या वो लोग भी अब यहाँ पे समर्थन में आने वो सारे आने को तैयार हैं और वो आएंगे क्योंकि किसान अभी जिन्होंने किसानी का बिल बनाया है उन्होंने उनको पता ही नहीं किसानी के बारे में किसान को तो खुद को पता है उसने बचपन से छोटी छोटी होती फसलें देखी हैं जवान होती फसलें देखी हैं ये जो बिल पास कर रहे हैं इनको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है किसान को हज़ार गुना ज़्यादा नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल तजर्बा है दो दिन पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी किसानों के समर्थन में खड़े नजर आए और उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कहा कि उनको बात माननी चाहिए और यह बहुत बड़ा आंदोलन है जो कि सही नहीं है हाँ उन्होंने यही कहा है कि ये एम एक तो गारंटी होनी चाहिए और ये कानून जिस तरीके से बनाया जा रहा है इट इज़ ए एंटी फॉरवर कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसमें पंजाबियों के एक अच्छी स्ट्रेंथ है जो कि वहाँ पे मिनिस्ट्री में बैठी हुई है तो कहीं ना कहीं ये बयान क्या राजनीतिक बयान नहीं है कि वो अपनी सरकार को बचाने के लिए क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ है जो कि पंजाबीज शेयर करते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट में नहीं नॉट ओनली पंजाबी अदर एम जो वहाँ उस कंट्री में है इवन पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है नॉट ओनली एम पंजाबी एम अदर एम पीज़ नॉन पंजाबीज़ आर ऑल्सो सपोर्टिंग तो क्या ये जो बयान था प्रधानमंत्री कैनेडियन प्रधानमंत्री का तो क्या ये उस ये उस पॉलिटिक्स से रिलेटेड था या इट वाज विद द कंसेंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नॉट ओनली पंजाबीज हमने अभी बीच में देखा कि यूके और उधर भी कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में जो वहां पे रोश मार्च किया जा रहा है जो प्रदर्शन किया जा रहा है कितना ठीक समझते हैं आप इस चीज को वो एक प्रोटेस्ट करके दिखाना चाहते हैं कि हम इकट्ठे हैं स्ट्रेंथ है हमारी वो नहीं चाहते कि ये आ, आ, काला कानून लागू हो जाए तो अभी आपका नया एजेंडा क्या होगा नेक्स्ट एजेंडा के तहत आप क्या करेंगे पंजाब के किसानों को आप एजुकेट करना स्टार्ट करेंगे कैसे आप आगे बढ़ेंगे इसके? हम और पंजाब के भी हरियाणा के भी बाकी स्टेटों के भी क्योंकि ये एक अकेली पंजाब की समस्या नहीं है पंजाब वालों ने समस्या उठाई है तो अभी सारे धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल गई है अब ये सारे इंडिया की समस्या है इसके बाद ये वर्कर की समस्या हो जाएगी अगर ये सारा कुछ कारपोरेट हैंडल करता है ये समस्या आम वर्कर की हो जाएगी लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि ऐसा किसान विरोधी है नहीं हमने पिछले दो सालों में तीन सालों में हमने बहुत से ऐसे किसान निदेशी योजनाएं हैं चाहे वो ई नाम हो ई टेंडरिंग हो मंडियों का नवीनीकरण हो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने चलाई है तो उनको दरकिनार करके और अब केवल इस बिल के ऊपर इतना रोष मार्च होना तो ऐसा क्या विरोधाभास है यहाँ नहीं बिल के विरोध है तभी तो लोग बाहर आए हैं सड़कों पर हज़ारों में आए हैं लाखों में हो गए हैं अब तो अब ये देखना जी वहाँ से लंबा हो जाएगा जी अभी कल 52 किलोमीटर का रास्ता था जो रोका हुआ था और बाकी स्टेटों से अभी मध्य प्रदेश से राजस्थान से लोग आ रहे हैं ये आते रहेंगे आगे तक चलता रहेगा एंड द डेली विल बी आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे हैव टू एग्री विद डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके आप लोगों को एजुकेट करना अब आपका नया न्यू आपका जो प्लानिंग होगी हाँ जी बिल्कुल होगी हम लोगों को एज, एजुकेट करेंगे बहुत सारे लोगों को अभी एम का ये ऊपर uh, पता है बाकी लोगों को ये चीज़ों को पता ही नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं कैसे लीज़ करेंगे वो पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल की लीज़ करेंगे पहले आपको बढ़ा देंगे वो आपका जो ठेका बोलते हैं इसको कंट्रैक्ट पे और बाद में मंडी सारी मंडीज बंद कर देंगे और मंडी एक स्टोर बन के रह जाएगा कॉरपोरेट सेक्टर का और किसान इस इससे भी दूर हो जाएगा अब तो किसानों के पास बीस किलोमीटर के अंदर अंदर एक मंडी होती है तो फिर कहाँ जाएगा किसान उसके बाद तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलें कि अब जो एन NRI... अब जो टीम्स हैं आप कह रहे हैं कि वो आना स्टार्ट करेंगी अब अलग अलग देशों से चाहे फिर वो यूके हो यूएस हो कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया और भी जो हो तो ऐसा क्या अब नया जो एजेंडा रहेगा वो जो बाकी एनआर आएंगे वो क्या अब वो भी जंतर मंतर में धरने की प्लानिंग करेंगे या पढ़े लिखे अंदाज में पंजाब के और बाकी राज्यों में जाकर और उन लोगों को एजुकेट नहीं वो बाकी लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज सेमिनार करके एजुकेट करेंगे और उनको लेके जाएंगे वहाँ पे जंतर मंतर पे तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट का जो तरीका है वो पढ़ा लिखा कर वहीं पे ही धरना प्रदर्शन करने का है। बिल्कुल शांतमयी ढंग से ही हम चलेंगे शांतमय ढंग से ही हम समझाने की कोशिश करेंगे ये जो कमेटियाँ होती हैं वहाँ पे ये तो रोज मीटिंगें चल रही हैं वो तो चाहते हैं कि इनका कब कड़ी कब कड़ तोड़ दें हम उन ये तो इनकी डिमांड ही नहीं उनकी तो है उनकी डिमांड तो है हमने कानून वापस करवाना है केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं ओवरसीज में भी बैठे एन आर को भी इस चीज़ को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है कि जो हमने आज तक जितनी भी स्कीम्स आती हैं वो एन के हितों को भी ध्यान में रखे बनाई जाती है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ये किसान बिल है ये बिल्कुल किसान हितैषी नहीं है और एन इसके खिलाफ होने चाहिए एन आर आई देखो एन आर आई का पहले ही ये बना रखा है इन्होंने कि एन आर आई दो द फॉरन कंट्री दे कैन नॉट बाय द लैंड इन पंजाब एग्रीकल्चर लैंड तो वाई समबड़ी फ्राम अदर स्टेट कैन कम एंड बाय द लैंड इन पंजाब वो बाय नहीं कर रहे वो तो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे बंदे विल विल बाय द पीपल स्टॉप इट

आई थिंक सो इफ समू डू एग्रीकल्चर इन पंजाब द पर्सन शुड बी बॉर्न इन पंजाब एंड अदरसन फ्राम बॉम्बे और समवेयर शुड बी बैन जस्ट लाइक बाय द लैंड इन हिमाचल come समबडी कैन कम एंड बाय द लैंड इन पंजाब आपने ये नया एक एंगल दिया इस पूरे बिल को लेके क्योंकि अभी तक हमने ऐसी चर्चा सुनी नहीं थी कि यहाँ पे बाइंग को लेकर एग्रीकल्चर लैंड की बाइंग का ऐसा कोई प्रोविजन रखा है उसमें कि वो बाय कर सकते हैं उन्होंने तो ये कहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में उनकी अच्छे दामों पर फसलें ली हमारी की डिमांड शुरू हो जाएगी land, land जो, अभी नहीं है। जो अभी नहीं है वो भी हमारा फिर नारा अलग से चलेगा एग्रीकल्चर लैंड इन पंजाब तो अब ये है कि आपने पूरी तैयारी कर रखी है पूरी एन आर आई विंग ने कि हमें बिल्कुल तैयारी पे हम कि किसानों का साथ हमने हर तरह से देना है और हम दिल्ली में बैठेंगे तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये वापस नहीं लेते दिल्ली में बैठेंगे तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिया जाता एनआरआई विंग के कैनेडा से डॉक्टर शंगारा सिंह आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे जिन्होंने खुलकर चर्चा की और बताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं ये जो बिल है केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है ये कॉरपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए है और इसका पूरा पूरा जो इफेक्ट है पंजाब के किसान पर या बाकी राज्यों के किसानों पर सीधे तौर पर आएगा छोटा किसान काफी हद तक इसमें कहीं ना कहीं परेशान होता नजर आएगा फिर मुलाकात करते हैं किसी न किसी मुद्दे पर तब तक के लिए नमस्कार ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।